पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है जनाब, रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। अपना पन छलके जिसकी आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता, यह तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में भी सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चलती बनी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बातें करें तो दिल बड़ा कर लीजिए। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। जो जिंदगी की कश्मकश को समझ गया वो खामोश हो गया। नादान है वो लोग जो बिना बात बहस करते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है।